ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पहले सन पर आइए और उसी सन से उठाया जाए, तब आपका इसका निर्माण कराना है इत्यादि बातें देखनी है, और इसके बाद आपका शब्द भी देखना है। आप लास्ट में देख रहे हैं कि द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यानी कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में बनाया गया। तो अब पहला नियम तुरंत यहीं देखेंगे कि 1882 में आखिर भारत में किसका शासन था और ये कानून किसने बनाया। तो उस समय अंग्रेजों का शासन था, यानी कि संपत्ति अंतरण अधिनियम का निर्माण अंग्रेजों द्वारा किया गया। तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये उठता है कि आखिर अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून को भारत में वर्तमान में इनफोर्स रहने या प्रवृत्त रहने या लागू रहने या बने रहने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है। तो वह कॉन्स्टिट्यूशनल बेस है आर्टिकल 372 यानी कि संविधान के अनुच्छेद 372 में जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, यानी कि जितनी भी संविधान के पूर्व विधियां हैं उनका अनुकूलन किया गया है। अनुकूलन यानी कि उनको एडाप्ट किया गया है, एडाप्ट यानी कि स्वीकार किया गया है, स्वीकार मतलब ये बताया गया है कि आज़ादी के बाद भी यानी कि संविधान लागू होने के बाद भी वे जो अंग्रेज कानून बनाकर चले गए वे कानून भारत में इनफोर्स रहेंगे, प्रवर्तित रहेंगे, अर्थात लागू रहेंगे। लेकिन कब तक लागू रहेंगे? जब तक कि आपका संविधान सभा या सक्षम प्राधिकारी द्वारा इन कानूनों को रिपील यानी कि समाप्त या निरसित न कर दिया गया हो। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कानून को समाप्त करने का पावर एक तो हमारी संविधान सभा को प्राप्त था यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को, और दूसरा भारत में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को प्राप्त है यानी कि सक्षम प्राधिकारी। अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है? तो पहले संविधान पर आया जाए। जहाँ तक बैठिए, इधर बैठिए, इधर आके जगह ना हो तो या पीछे बैठिए। जहाँ तक आपका संविधान की बात है, अब क्या संविधान सभा ने किसी, अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हमारी संविधान सभा ने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, बैठिए इधर, क्या हमारी संविधान सभा ने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून का को रिपील किया कि नहीं। तो फिर एक बार याद रखिए, आपका जो रिपील खंड है या निरसन खंड है वह संविधान के अनुच्छेद 395 में दिया गया है। बिहार में पिछली बार यहाँ से प्री में क्वेश्चन आया था अनुच्छेद 395 से, हो सकता है कि वैसा मॉडल यूपी भी बना दे। अब क्या क्वेश्चन आया था पहले देखिए, फिर अनुच्छेद 372 से हम उठाए हैं, फिर एक बार हम बता रहे हैं ताकि क्रम बना रहे, क्योंकि तो 3-4 अनुच्छेदों को एक साथ पढ़ना है। पहले अनुच्छेद लिख दिया जाए, एक तो सक्षम प्राधिकारी हम देखेंगे, फिर आर्टिकल 13(1) देखेंगे, फिर आपका अनुच्छेद 13 आपका 3 का क्लाज बी देखना है, फिर आपका 32 अनुच्छेद देखना है और 226। यानी कि जब भी आप टीपीए पढ़िए तो फिर हम बता दें, शुरुआती दौर में आप पहले एक कंसेप्ट बनाइए, फिर से हम एक बार शुरुआत करते हैं, क्योंकि इतने अनुच्छेदों को शुरुआती दौर में पढ़ना हर हाल में अनिवार्य है, इसलिए अनिवार्य है ताकि टीपीए का कॉन्सेप्ट बने और टीपीए को पढ़ने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है ये पता चले। फिर एक बार इसको देखिए, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यानी कि संपत्ति अंतरण अधिनियम, शब्दों पर हम आएंगे बाद में, अभी आपका पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बेस देखिए, का निर्माण अंग्रेजों द्वारा 1882 में किया गया,
तो आखिर अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून को हम क्यों पढ़ें या क्यों वे भारत में लागू हैं हों, क्या इसको कहीं संविधान में प्रोटेक्शन या संरक्षण या आपका एडॉप्शन किया गया है कि नहीं? तो आपका जवाब रहेगा किया गया है, आर्टिकल 372। जितने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून हैं, अब याद रखिएगा, जो भारत में वर्तमान में लागू हैं, सबको बने रहने का भारत में वर्तमान में एक ही अनुच्छेद जिम्मेदार है, 372। चाहे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, चाहे आईपीसी हो, चाहे एविडेंस एक्ट हो, सीपीसी हो इत्यादि, सबका कॉन्स्टिट्यूशनल बेस जो है वह कौन सा आर्टिकल है, 372। तो आखिर ये कानून भारत में कब तक इन्फोर्स रहेंगे? जब तक कि संविधान सभा या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा इन्हें रिपील या समाप्त या निरसित न कर दिया जाए। तो अब यहाँ से दो पॉइंट ये निकला कि पहला, हमारी संविधान सभा सक्षम थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कॉम्पिटेंट थी कि वह अंग्रेजों द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त कर सके। हमारी संविधान सभा ने किया भी, और अंतिम अनुच्छेद पर आप गौर करिएगा 395, इसमें अंग्रेजों द्वारा बनाए गए दो कानूनों को हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने रिपील किया है। पहला कानून है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और दूसरा भारत शासन अधिनियम 1935। यानी कि ये दो कानून वर्तमान में भारत में इन्फोर्स नहीं है, क्योंकि इन्हें हमारी संविधान सभा ने ही रिपील कर दिया है। और रिपील करने का पावर किसको है? तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। तो भारत में कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो किसी कानून को समाप्त कर सकती है, चाहे अंग्रेज बनाए हो और चाहे अंग्रेजों के बाद भारत की संसद? तो चार पॉइंट याद रखिए यहाँ। एक, हमारी संविधान सभा है। अभी मोदी जी ने, आपका पिछली बार कई बार विदेश गए तो मोदी जी ने ये कहा बार बार कि मैं 1200-1300 जो फालतू कानून थे जो अंग्रेज बना कर चले गए थे छोटे छोटे, उसको हमने रिपील कर दिया है। तो यानी कि भारत की संसद सक्षम है कि वह अंग्रेजों द्वारा और स्वयं द्वारा बनाए गए किसी कानून को रिपील कर सके, समाप्त कर सके। दूसरा, विधिक सीमाओं के अधीन रहते हुए राज्य का विधान मंडल भी सक्षम है कि वह अंग्रेजों द्वारा बनाए गए किसी कानून को रिपील कर सके या अपने द्वारा बनाए गए कानून को रिपील कर सके। तीसरा, आपका सक्षम प्रेसिडेंट है, यानी कि भारत का राष्ट्रपति है, कि वह अनुच्छेद 123 के तहत ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी करके और किसी भी कानून को समाप्त कर सकता है। और चौथा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है गवर्नर या राज्य का राज्यपाल, जो अनुच्छेद 213 के तहत, 213 के तहत ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी करके कानून को रिपील कर सकता है। तो ये किस में आ गया? सक्षम प्राधिकारी। अब समस्या ये आई कि क्या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को हमारी संविधान सभा ने या संसद ने या आपका राष्ट्रपति ने क्या समाप्त किया है कि नहीं? समाप्त नहीं किया है। तो अनुच्छेद 372 ये बताता है कि जब तक रिपील न किया गया हो तब तक वह कानून भारत में प्रवृत्त रहेगा, बना रहेगा, लागू रहेगा। अर्थात वर्तमान में संपत्ति अंतरण अधिनियम का लागू होने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस आर्टिकल 372 है। ये एक लाइन में इतना का मतलब हुआ। अब आइए अनुच्छेद 13 के क्लाज 1 पर आइए, यहाँ से गवर्न करिए इसको, कानून को। आर्टिकल 13 का क्लाज 1 प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में है, संविधान पूर्व विधियों के बारे में है, जिसमें ये बताया गया है कि अगर
26 जनवरी 1950 के पहले का कोई कानून हो और हमारे मूल अधिकारों से वह कानून असंगत हो, इनकंसेंट हो या आपका विपरीत हो, प्रतिकूल हो, तो जिस मात्रा तक वह मूल अधिकारों का विरोधी होगा उस मात्रा तक वह कानून वाइड होगा, शून्य होगा। आईएस में भी जीएस में बना था कि उस मात्रा तक वह कानून क्या होगा, तो दिया था वैध होगा, अवैध होगा, विधि विरुद्ध होगा और वाइड या बातिल या शून्य होगा। तो पहली वरीयता बेयर एक्ट की मारेंगे हमेशा आपका बातिल, उर्दू में बातिल कहते हैं, या वाइड या शून्य होगा। अवैध न मार दीजिएगा, अगर शून्य न रहे तब असंवैधानिक और अवैध खोजिएगा, लेकिन पहली वरीयता क्या मारेंगे, शून्य। अरे वाइड मारिएगा, मैं फिर बता दूँ, आई एस में भी जी एस में पूछा है। अगला आइए, अब समस्या ये आती है, क्या क्या ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की कोई धारा हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन करती है? अगर करती तो सुप्रीम कोर्ट उस सेक्शन को आपका वाइड घोषित कर देता। तो कोई धारा ऐसी नहीं है टीपीए की जो हमारे फंडामेंटल राइट का क्या करे, वायलेशन। अतः आज तक हमारे न्यायालयों ने संपत्ति अंतरण अधिनियम की किसी भी धारा को शून्य घोषित नहीं किया है। अगला कंसेप्ट आइए, अगला कंसेप्ट आपका अनुच्छेद 13(3) का भी देखना है, आर्टिकल 13 आपका 3 और उप क्लॉज बी, इसमें नाम आ जाइए। 26 जनवरी 1950 के पहले के जितने कानून हैं उनको संविधान एक नाम देता है स्पेशल, और वह नाम है ला इनफोर्स, यानी कि विद्यमान विधि। तो चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो, टीपीए हो, आईपीसी हो इत्यादि, 26 जनवरी 1950 के पहले जितने कानून बने हैं उनको हम लीगल तौर पे क्या नाम देंगे, याद रखिए, ला इनफोर्स, यानी कि विद्यमान विधि। ये हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, ये किस आर्टिकल में लिखा है, 13(3)(b). अब समस्या ये आई कि अगर संविधान के पहले का कोई कानून है और हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है तो उनको शून्य घोषित करने का पावर किस किस कोर्ट को है भारत में? तो केवल 2 कोर्ट को है। ये बिहार एपीओ में क्वेश्चन बना था कि आपका न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति भारत के न्यायालयों में, अरे किन किन न्यायालयों को प्राप्त है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो आप दोनों मार कर आइए। यानी कि आपका 2 क्वेश्चन अब तक के लेक्चर में आपका बिहार में ही जो एपीओ में एक आया था और एक जे में आया था, 2 क्वेश्चन आपको बता दिए गए और पढ़ाते पढ़ाते तमाम क्वेश्चन डेली बताए जाएंगे। अब आपका भी कर्तव्य है कि जो जो क्वेश्चन बताए जाएँ कोरिलेट करके उसको कम से कम भाई आप तैयार रखिए, आपकी ड्यूटी है। फिर आगे देखिए, तो अनुच्छेद 32 के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय को और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्टों को ये जुडिशियल रिव्यू का पावर है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब कि हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपका किसी भी प्राधिकारी द्वारा बनाए गए किसी कानून को, किसी विधि को नल एंड वाइड घोषित कर सकता है, यानी कि शून्य घोषित कर सकता है। यानी कि अगर कोई पूछे कि जुडिशियल रिव्यू होता क्या है, न्यायिक समीक्षा होती क्या है, न्यायिक पुनर्विलोकन किसे कहा जाता है, तो एक लाइन में जवाब दीजिएगा, न्यायालयों की वह शक्ति जिसके द्वारा न्यायालय किसी प्राधिकारी द्वारा बनाए गए कानून को या विधि को शून्य घोषित करते हैं, इसी शक्ति को हम एक लाइन में क्या कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू। ये शक्ति उत्पन्न होती है अनुच्छेद 13 से, इसका सुप्रीम कोर्ट प्रयोग करता है आर्टिकल 32
और हाई कोर्ट करता है टोटो से। यानी कि इस प्रकार जो संवैधानिक दृष्टि से आपका टीपीए पढ़ना था, यानी कि पुराना इतिहास से, वह समाप्त हुआ। अब टीपीए का पहले निर्माण कराया जाए, टीपीए का आपका पहले निर्माण कराया जाए और तब आपका इसका इतिहास देखिए फिर एक बार। अब इसका निर्माण कराया जाए, जहाँ तक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात है, संपत्ति अंतरण अधिनियम बनने के पूर्व विभिन्न राज्यों में छोटे छोटे कानून संपत्ति के अंतरण से संबंधित थे, बनाए गए थे अंग्रेजों द्वारा, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून थे। तत्पश्चात जब अंग्रेजों ने ये सोचा क्यों न पूरे भारत के लिए सामान्यतः संपत्ति अंतरण के मामले में एक जैसा कानून बनाया, तो इसके लिए आपका अंग्रेजों ने ला कमीशन बनाया, विधि आयोग बनाया। तो यहाँ से आपका नया क्वेश्चन बन सकता है। अब तक क्वेश्चन जल्दी पूछा नहीं गया है, लेकिन पुराने क्वेश्चनों को तैयार करने के साथ साथ नए क्वेश्चनों पर भी गौर करना है। तो आइए पहले ला कमीशन देखा जाए। अब एक क्वेश्चन नहीं, तीन क्वेश्चन आपका तैयार करना पड़ता है ला कमीशन पर, ध्यान में रखिएगा। जो ये प्रथम ला कमीशन बना भारत में, प्रथम विधि आयोग 1834 में बना, और इसके अध्यक्ष बनाए गए लॉर्ड थॉमस वेलिंगटन मैकाल। तो और इनकी सिफारिश पर आईपीसी का निर्माण किया गया। तो ये तो क्वेश्चन एचजेएस में भी पूछा गया है और बिहार एपीओ में भी पूछा गया था कि आईपीसी का ड्राफ्ट किसने तैयार किया, तो लॉर्ड थॉमस वेलिंगटन। ये भी बिहार एपीओ में भी आया था, यूपी एचजेएस में भी एक बार आ चुका है, और हो सकता है जे में सामान्य क्वेश्चन पूछ ले। लगभग सभी लोग जानते हैं, अगर ये क्वेश्चन गलत करते हैं तो ये गलतियां क्षम्य नहीं है। यानी कि ये गलती हर हाल में क्या है, अक्षम्य है। ये सब गलतियां क्षम्य नहीं है, ये तुरंत आपको कंपटीशन से बाहर करेगी। आसान क्वेश्चन, कठिन एक दो गलत हो जाए वो चल जाएगा, आसान क्वेश्चन गलतियां सब आपका क्षम्य नहीं है। तो फर्स्ट लॉ कमीशन की सिफारिश पर द इंडियन पेनल कोड बन गया, यानी कि आईपीसी। तो आईपीसी का निर्माण किस विधि आयोग की सिफारिश पर किया गया, प्रथम विधि आयोग। सेकंड विधि आयोग की सिफारिश पर प्रथम बार सीपीसी बनाई गई, जो 1859 में बनी। तो अगला क्वेश्चन, प्रथम बार भारत में द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कब बनाया गया, 1859 में, और किस ला कमीशन की सिफारिश पर, याद करके जाइएगा सेकंड। और ये जो तीसरा ला कमीशन है इसकी सिफारिश पर क्या बनी टीपी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम का निर्माण किस विधि आयोग, किस ला कमीशन के रिकमेंडेशन पर हुआ, तो थर्ड ला कमीशन मार कर आइएगा, तृतीय विधि आयोग। देखिए टीपीए का निर्माण देखा जाए, अब आपका ये तो आयोग हो गया आपका। देखिए जहां तक संपत्ति अंतरण अधिनियम की बात है, अब इसके लिए इक्विटी में जाना पड़ेगा, यानी कि साम्य को थोड़ा देखना पड़ेगा, और वहां से आपका साम्य की उत्पत्ति हम बताएंगे। फिर इंग्लैंड का नियम, साम्य न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय, और तब टीपीए का निर्माण कराया गया। देखिए जो साम्य शब्द हैं, इंग्लिश में इक्विटी कहते हैं। इक्विटी शब्द इक्विटास से बना है, इक्विटास का मतलब होता है समतल करना, बराबर कर। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार खेत जोता जाता है, उखड़ खाबड़ हो जाता है, तो प्लाव लगाकर और उसको क्या किया जाता है, बराबर। सेम उसी प्रकार समझिए कि
जहां भी कानून में कुछ लोचा हो, लोचा यानी कि कमी हो, कमी मतलब फाल्ट हो, फाल्ट मतलब दोष हो, या कानून त्रुटिपूर्ण हो, कानून हो ही न, वहां न्यायालयों को ये पावर होता है, ये पावर वेस्टेड होता है कि वह जस्टिस के आधार पर यानी कि न्याय के आधार पर, गुड कंसेंस यानी कि अंतःकरण के आधार पर, या साम्य के आधार पर, नेचुरल जस्टिस के आधार पर, जो उनको उस मामले में उचित लगे वह फैसला दे सके। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि उनको जो उचित लगे वह फैसला दे सकें। फिर यहाँ क्वेश्चन आपका एक राइज हो गया, भले आप ना पकड़ पा रहे हो, बिहार में ही आया था। चौथा क्वेश्चन कि इक्विटी का आधार क्या है, इक्विटी किस पर आधारित है। गुड कंसेंस यानी कि जो अंतर आत्मा से आवाज निकले, अंतर आत्मा से जो मने बातें निकले, वही क्या मानी जाती है, इक्विटी। ये पूछा गया था बिहार जे में ही। आगे बढ़ा जाए, साम्य का सर्वप्रथम उत्पत्ति रोम में हुई और रोम के में प्रेटर थे, उन्होंने ही इक्विटी की उत्पत्ति। प्रेटर जो थे हमारे यहाँ, जो वर्तमान समय में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, उनके बराबर हैसियत रोम में रखते थे। राजा ने कानून बना दिया, अगर प्रेटरों के सामने कोई मामला आता जिसमें कि कोई कानून का प्रावधान लागू नहीं होता, तो ऐसी दशा में प्रेटर न्याय के आधार पर, साम्य के आधार पर, गुड कंसेंस के आधार पर जो उचित होता फैसला देते कानून से बाहर जाकर। यहीं से इक्विटी की क्या हुई शुरुआत। इसके बाद ये इक्विटी पहुंची आपका इंग्लैंड में। इंग्लैंड में तो अलग कोर्ट ही बना दिया गया, चांसलरी कोर्ट, और चांसलरी कोर्ट में चांसलर बैठा दिया गया जो इक्विटी पर ही निर्णय देता था। अब आइए, संपत्ति से संबंधित जो भी विवाद इक्विटी कोर्ट के पास जाते थे, उन विवादों में इंग्लैंड में कोई कानून नहीं होता था। तो जो ये चांसलरी न्यायालय होते थे, वह कानून जब कोई है ही नहीं, तो न्याय पूर्ण क्या होना चाहिए, औचित्य पूर्ण क्या होना चाहिए, साम्य पूर्ण क्या होना चाहिए, गुड कंसेंस से कौन सी बात निकलती है, इस बारे में जो उचित होता वह फैसला देते थे। यानी कि संपत्ति संबंधी मामलों में इक्विटी कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उन्हीं फैसलों को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन वाइज पिरो दिया गया है, या तो हूबहू या कुछ संशोधन करके। यानी कि इसका मतलब ही हुआ कि जो हमारा आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होगा, वह शुद्ध रूप से इक्विटी के, साम्य के नियमों पर ही क्या रहेगा, आधारित। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि 80% इसमें जो प्रावधान हम पढ़ाएंगे, कोई केस इंग्लैंड में आया और उस केस में दिए गए सिद्धांत को ही, जब तृतीय विधि आयोग टीपीए का निर्माण करने लगा, तो उन सिद्धांतों को टीपीए में क्या कर दिया गया, समाज। अतः टीपीए इक्विटी पर ही क्या है, आधारित। क्योंकि साम्य या टीपीए इक्विटी पर आधारित हैं, इसके जो सिद्धांत हैं वह न्याय पर आधारित हैं, गुड कंसेंस पर आधारित हैं, समता पर आधारित हैं, अन्याय के विरुद्ध निर्णय पर आधारित हैं, नेचुरल जस्टिस पर आधारित हैं। अतः ऐसा कानून बना जो विश्व के ज़्यादातर देशों में लागू है, यानी कि वर्तमान समय में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के नियम केवल भारत में ही लागू नहीं है, बल्कि विश्व के तमाम देशों में, यानी कि आपका 50 से अधिक देशों में आपका ये नियम लागू होते हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, तमाम जगह। क्यों? क्योंकि ये गुड कंसेंस पर आधारित हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन एक बना है कि भारत के किस पड़ोसी देश में
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के नियम लागू नहीं होते तो नेपाल है, नेपाल में ये कानून लागू, वहाँ दूसरा कानून है, लेकिन आपका अन्य पड़ोसी देशों में इसी ये कानून थोड़ा भले संशोधन किया गया हो आपका लागू है। इस प्रकार आपका इतिहास बताया गया कि ये कानून बेस क्या है। अब आइए अगला नियम देखा जाए। जहाँ तक संविदा अधिनियम और इसकी बात है, अब अगला रिलेशन देखिए आपका पूछा जाता है। देखिए भारतीय संविदा अधिनियम आपका 1872 में बनाया गया। तत्पश्चात 1882 में यानी कि 10 साल बाद द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बनाया गया। तो क्वेश्चन ये आया कि आपका क्या संविदा अधिनियम अपने आप में एब्सोल्यूट है कि नहीं, पूर्ण है कि नहीं। ये बिहार ने क्वेश्चन बना रखा है, हो सकता है यूपी जे में भी इस मॉडल से क्वेश्चन बने कि संविदा के तत्व किन किन और कानूनों में पाए जाते हैं। यानी कि इसका मतलब कि संविदा अधिनियम अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है, तो उसके तत्व किन किन कानूनों में पाए जाते हैं, तो संविदा अधिनियम की कमियों की पूर्ति के लिए ही तमाम कानून बनाए गए, जिसमें कि टीपीए भी हैं, एसआरए भी हैं, माल विक्रय अधिनियम, भागीदारी अधिनियम, ये जितने कानून हैं ये किसके पूरक हैं, किसके सपोर्टिंग नेचर के हैं, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो अब जो क्वेश्चन बिहार ने पूछा कि संविदा के तत्व निम्नलिखित में से किन कानूनों में पाए जाते हैं, टीपीए दिया, पार्टनरशिप एक्ट दिया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट दिया, उपर्युक्त सभी, तो उपर्युक्त सभी मारना है। एक और छूटा है एसआरए यानी कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, उसमें भी आपका संविदा के तत्व क्या हैं। यानी कि आपका क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम किस कानून की कमियों की पूर्ति के लिए बनाया गया, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मारना है, या ये किसके माने किससे जुड़ा हुआ है, तो संविदा अधिनियम से। अगला एंगल आइए, अब सामान्य बातें देखा जाए। सामान्य बातें आपका अध्याय कितनी है, धाराएं कितनी है, ऐसे भी क्वेश्चन बन रहा है। इस बार तो एपीओ में आपने देखा कि धुआंधार आपका यही सब क्वेश्चन बन गए, और जो लोग तैयार अध्याय उध्याय नहीं किए थे वहीं बाहर हो गए। तो भाई देखिए अब वो जमाना गया कि 10 धारा पढ़ लिया जाए, हो जाए। वर्तमान समय में जो कंपटीशन है आपका टफ होता जा रहा है, और आपको केवल बड़ी बड़ी ही बातों और सेक्शनों पर नहीं, बल्कि जो कानून में एक एक बारीक बातें हैं उस पर भी ध्यान देना होगा, और कोई उपाय नहीं है। तो आइए टीपीए में देखा जाए, इस कानून में कुल 8 अध्याय हैं, और इन 8 अध्यायों में 137 सेक्शन है। ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपका पिछली बार बिहार जे में आया, फिर आपका पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन। देखिए कैसे आया, एविडेंस से पूछा गया था कि एविडेंस में कितने भाग, कितने अध्याय और कितने भाग और कितनी धाराएं। तो एविडेंस एक्ट में 3 भाग हैं, 11 अध्याय हैं और 167 धाराएं। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो संपत्ति अंतरण अधिनियम में कुल कितने कितने चैप्टर हैं, 8, और टोटल सेक्शन कितने हैं, 137। अब अगला देखिए आपका आपका इसके बाद निर्माण की तिथि पूछा जाता है। अब थोड़ा निर्माण की तिथि देखा जाए आपका, निर्माण की तिथि यानी कि किस तारीख पर यह कानून बनकर तैयार हो गया। तो देखिए आपका जब बेयर एक्ट खोलेंगे तो ऊपर लिखा रहेगा टीपीए यानी कि संपत्ति अंतरण अधिनियम, यहाँ कोष्ट में आपका एक डेट लिखी रहेगी, और वह जो डेट रहेगी 17 फरवरी 1882, और उसके बाद आपका
टीपीए का एक्ट नंबर रहता है, अभी बताते हैं हम। जो एक्ट नंबर रहेगा आपका, एक्ट नंबर 4 लिखा रहेगा, यानी कि आपका अधिनियम संख्या या क्रम संख्या। ठीक है, आपका इसका पहले मतलब समझिए, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना है। पहले तो ये जानिए कि जो किसी कानून के निर्माण या अस्तित्व में आने या जो बनने की आपकी तारीख होती है, वह किसी भी कानून में शुरुआती दौर में आपका ऊपर दाहिने बगल कोष्ठ में दी रहती है या बिना कोष्ठ के। तो अगर हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट देखें तो ऊपर एक तारीख आपको मिलेगी, 17 फरवरी 17 फरवरी 1882। अब कानून का निर्माण कैसे होता है, कौन निर्माण की, कब हम कहेंगे कि यही निर्माण की तारीख है, संविधान की निर्माण की तारीख क्या है, ये थोड़ा समझने का प्रयास करिए अगले एंगल से। देखिए, जब अंग्रेज थे तो अंग्रेजों के ज़माने में होता क्या था कि गवर्नर जनरल की परिषद होती थी, वह विधेयक को पास करती थी और पुनः गवर्नर जनरल उस विधेयक पर, उस बिल पर एसेंट प्रदान करता था, अपनी अनुमत प्रदान करता था। और अनुमत प्रदान करता था, वर्तमान में कैसे कानून बनते हैं, तो लोकसभा पास कर दे, राज्यसभा पास कर दे, फिर हमारे राष्ट्रपति के पास अनुमत के लिए भेजा जाएगा, और जैसे ही राष्ट्रपति एसेंट दे दे, अनुमत दे दे, वैसे ही उस कानून का क्या हो जाता है, निर्माण। तो सतर्क ये रहना है कि जिस तारीख को राज्यपाल या जिस तारीख को राष्ट्रपति या जिस तारीख को वायसराय या गवर्नर जनरल अपनी अनुमत प्रदान करते थे, वही तारीख उस कानून के निर्माण की डेट होती है, वही कानून के बनने की क्या होती है, तारीख। यानी कि जिस तारीख को वायसराय ने अपना साइन कर दिया बिल पर या विधेयक पर, या आपका गवर्नर जनरल था तो वो साइन कर दिया, वही तारीख उस कानून के क्या होती है, निर्माण की डेट होती है। और वह हमेशा कानून के जब भी पढ़िए, आईपीसी सीआरपीसी कांटेक्ट ये गौर करिए, दाहिने बगल एक डेट दी रहेगी और वही डेट निर्माण की क्या होती है, डेट। आईपीसी में एक बार पूछा है, आईपीसी का निर्माण किस सन में हुआ, 1860 में, डेट वाइज बताइए, तो 6 अक्टूबर 1860 डेट याद रखिएगा, 6 अक्टूबर आपका 1860, ये क्वेश्चन। अब हम संविधान पर आते हैं। अब जहाँ तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, अगर पूछा जाए कि क्या संविधान, भारत का संविधान लिखा गया है, तो आप कहेंगे कि कहीं भी दाहिने बगल ऊपर संविधान सुरबेरक में कहीं भी कोई डेट नहीं दी गई है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि निर्माण कब हुआ, ये दिया ही नहीं गया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आपका किसी भी देश का क्रोड होता है, मूल मानक होता है, ग्रैंड नॉर्म होता है, सर्वोच्च कानून होता है। तो हो सकता है कि ऊपर न दिया हो, कहीं अन्य दिया हो। तो जब हम संविधान पढ़ेंगे और उसमें आप जब प्रियम्बल देखेंगे, तो प्रियम्बल में नीचे देखिएगा, उद्देश्य का या प्रस्तावना में एक डेट दी गई है, 26 नवंबर 1949 को हम भारत के लोग आपका इस तारीख को, इस संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित तथा आपका अधिनियमित करते हैं। अधिनियम का मतलब ये हो गया एक्टेड, एक्ट मतलब कानून, यानी कि संविधान को किसका दर्जा देते हैं, कानून का, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया,
अतः इसी तारीख को हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाते हैं, यानी कि हमारा संविधान बनकर क्या हो गया। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन हम लोगों ने, यानी कि हमारे पूर्वजों ने संविधान का क्या किया था। तो संविधान ही एक ऐसा कानून है जहाँ निर्माण की डेट ऊपर न देकर कहाँ दी गई है, प्रियम्बल में नीचे। और हाँ बताए। थोड़ा समय देखिए, एक सेकंड भाई, देखिए आपका फिर थोड़ा दिमाग अस्थिर करके भाई समझिए। देखिए, अगर तत्काल, अगर संसद का सत्र न चल रहा हो, तत्काल कानून की आवश्यकता हो, तो भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत ऑर्डिनेंस जारी करके कानून को लागू कर सकता है। संसद बाद में पास करती है तो कानून पहले लागू हो गया, और संसद 6 माह के अंदर बैठक हो उसके बाद पास करे तो कानून तो पहले ही है। दो उसको लिख लीजिए, एक बार देख लीजिए घर पे, आर्टिकल 123 और 213 दोनों लिखिए। ऑर्डिनेंस द्वारा कानून पहले लागू कर दिया गया और पास संसद ने क्या किया बाद में, उस इसीलिए डेट चेंज है। कानून तो भाई लागू हो गया, भले ऑर्डिनेंस बाद में पास हो। अगला देखिए आपका, अब अगला आपका, अब छोटी छोटी ये आपका अध्याय हो गया। अब पूछा जाता है सबसे बड़ा अध्याय, आजकल ऐसा भी क्वेश्चन एक बन रहा है कि अब जैसे आपका एविडेंस में बना है कि सबसे बड़ा अध्याय साक्ष्य अधिनियम का कौन है, यूपी ने बनाया है, पीयू में अध्याय 2 है, और सबसे छोटा अध्याय आपका 11। अध्याय 11 इसलिए छोटा है कि उसमें एक ही धारा है 167, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो टीपीए का सबसे बड़ा जो चैप्टर है, सबसे बड़ा अध्याय है, वह आपका अध्याय 2 है, जिसमें 5 से लेकर और आपका 53A तक प्रावधान किया गया है। छोटा भाई, दो अध्याय में एक ही जैसी धाराएं हैं, इसलिए सबसे छोटा कोई नहीं है, क्योंकि दो अध्याय पैरल धाराएं रखते हैं, तो सबसे छोटा न मारिए। लेकिन एक तो हम जान सकते हैं, सबसे हो सकता है कि एक क्वेश्चन आ जाए। अब आइए, जहाँ तक आपका संपत्ति से संबंधित मामला है, अब जो आपका क्वेश्चन बनता है कि आखिर संपत्ति से संबंधित जो ये मामले हैं, इसका भारत के आपका कह सकते हैं, यानी कि अब देखा जाए आपका कंसेप्चुअल, अभी 2-3 क्वेश्चन बचे हैं। पहले संपत्ति नाम पर आइए, उसके बाद आपका कंसेप्ट सेक्शन वाइज बनाया जाए, क्योंकि अभी तमाम पहले 2-4 कंसेप्ट जानिए और तब टीपीए शुरू हो पाएगी, क्योंकि बिना जब तक पूरा कंसेप्ट ना हो जाए तब तक टीपीए शुरू करना खतरे से खाली नहीं है। फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए। अब शब्दों पर आइए, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, यानी कि संपत्ति अंतरण अधिनियम। पहले तो संपत्ति का मतलब जानिए, प्रॉपर्टी किसे कहा जाएगा, इसके बाद ट्रांसफर क्या होता है, और तीसरा अधिनियम। अधिनियम यानी कि कानून हो गया, अब संपत्ति आ जाइए, तब अंतरण बताया जाए। अब संपत्ति शब्द को टीपीए में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि संपत्ति या प्रॉपर्टी को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। तो आपका जवाब रहेगा इनमें से कोई नहीं। अब आप कहेंगे कि संपत्ति का अंतरण हो रहा है और संपत्ति शब्द को ही परिभाषित नहीं किया गया है, तो धारा 3 में, यानी कि सेक्शन 3 में संपत्ति को तो नहीं, लेकिन संपत्ति के एक प्रकार यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि अचल संपत्ति को अवश्य परिभाषित किया गया है। तो किस प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है, चल की अचल, अचल, लेकिन संपत्ति को कहीं परिभाषित नहीं किया गया। तो आखिर प्रॉपर्टी होती क्या है,
अब इसको दो चार लाइन समझना पड़ता है। देखिए ध्यान से, जहाँ तक प्राचीन काल की बात है, प्राचीन काल में ये माना जाता था कि पूरी संपत्ति राजा की है, यानी कि आपका स्टेट की है। प्राचीन काल में ये भी माना जाता था कि जो व्यक्ति किसी जमीन को साफ करके और पहले उस जमीन पर बीज डाल देता था या मड़ई डाल देता था झोपड़ी, वह जमीन उसकी हो जाती थी। जमीन की कमी नहीं थी, धीरे धीरे संख्या बढ़ी, जमीन का महत्व बढ़ता गया इत्यादि, माने कई कार्यों के लिए। और अब आपका कह सकते हैं जमीन को लेकर तमाम विवाद उत्पन्न हुए, हमारा संविधान बना। संविधान में अनुच्छेद 19(1)(f) और आर्टिकल 31 में प्रॉपर्टी के राइट को मान्यता दी गई। संपत्ति से संबंधित स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(f) में दी गई। और संपत्ति को एडाप्ट करना, यानी कि ग्रहण करना, अर्जन करना और अथवा संपत्ति रखने का अधिकार आर्टिकल 31 में दिया गया। तब आपका लैंड लॉ आया। अब समस्या ये आई, एक व्यक्ति के पास हजारों बीघा जमीन है, एक व्यक्ति भूखों मर रहा है, तो समाजवाद ये कहता है कि इनकी ज़मीनें छीन कर और जो जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको दिया जाए, तभी समाज में समानता आएगी। तो इसके लिए कानून बनाना भारत ने शुरू कर दिया। जब कानून बनाया गया तो लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने लगे कि संपत्ति को ग्रहण करना रखना तो हमारा आर्टिकल 31 में क्या है, फंडामेंटल राइट। तो तुरंत फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड द्वारा 1951 में न बांस रहेगी न बांसुरी, 31 अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया कि जाओ, और 31A भी इत्यादि जोड़कर संपत्ति का अधिकार क्या किया गया, सीमित। और इसी समय अनुसूची 9 जोड़ी गई कि जो कानून अनुसूची 9 में रख दिए जाएंगे उन पर विचार न्यायपालिका नहीं करेगी। तब बड़े लोगों से जो जमींदार वर्ग था उनकी संपत्ति छीनी गई और गरीब लोगों को दी गई। तो संपत्ति में वर्तमान समय में मूर्त संपत्तियां, अमूर्त संपत्तियां यानी कि कॉर्पोरल, इनकॉर्पोरल, आपका गुडविल, सुनाम, कॉपीराइट इत्यादि अधिकार, चल और अचल, तमाम वर्तमान में ये संपत्ति के प्रकार हैं। यहाँ तक कि जो ख्याति होती है, प्रसिद्धि होती है, गुडविल या सुनाम होता है, ये भी संपत्ति है, भले ये अमूर्त संपत्ति है, गुडविल दिखाई न दे। तो संपत्ति का नेचर आपका, तो पहला तो प्रॉपर्टी, अंतरण का मतलब क्या हुआ। जहाँ तक ट्रांसफर की बात है, सेक्शन 5 जरूर ट्रांसफर को बताता है कि संपत्ति का अंतरण और संपत्ति का अंतरण करना, दो शब्दों को सेक्शन 5 डिफाइन करता है। और इन शब्दों का अंतरण का मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति संपत्ति में के अपने अधिकार या राइट को किसी अन्य व्यक्ति को या स्वयं को अंतरित करता है या स्वयं को प्रदान करता है, यानी कि जो उस प्रॉपर्टी में राइट आपका इंटरेस्ट है, एक पक्षकार किसको देता है दूसरे को, या एक पक्षकार स्वयं को भी दे सकता है। यही पॉइंट आपको समझना है कि क्या कोई व्यक्ति स्वयं को भी ट्रांसफर कर सकता है, तो कर सकता है, लेकिन पहले अंतरण का प्रकार बता दिया जाए, क्योंकि ये प्रकार से ही कंसेप्ट आगे बनाना है। देखिए जो अंतरण का प्रकार है आपका, वह दो प्रकार से ट्रांसफर किया जा सकता है, एक पक्षकारों के कार्य द्वारा, यानी कि पक्षकार कार्य करते हैं, और दूसरा आपका विधि यानी कि लॉ के इन्फोर्स द्वारा, विधि के प्रवर्तन द्वारा। पहले विधि का प्रवर्तन हम हटा लें, मैंने पढ़ा दें, तब आपका पक्षकार के कार्य, एक्ट बाई पार्टी और ऑपरेशन बाई लॉ दूसरा।
यानी कि जब न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में संपत्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर की जाती है तो उसे हम कहते हैं कि विधि के माने प्रवर्तन द्वारा संपत्ति का अंतरण हुआ है। जैसे कि न्यायालय ने बी के खिलाफ डिक्री पारित की, न्यायालय ने आदेश दिया कि बी की संपत्ति को अटैच या कुर्क किया जाए, नीलाम किया जाए, बेचा जाए नीलाम करके, और उससे जो पैसा आए उसे ए को दिया जाए। तो जब न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में वह नीलाम करके क्या की गई, बेची गई, तो बताइए पक्षकारों ने कार्य किया कि कानून ने। अब मान लीजिए पिता मर गया और उत्तराधिकार में पुत्र को प्रॉपर्टी मिल गई, तो पक्षकारों के कार्य द्वारा मिली कि कानून द्वारा। कानून द्वारा, तो यह दीजिए कानून द्वारा आपका बाहर करिए। पक्षकारों का कार्य, आइए पक्षकारों के कार्य द्वारा दो प्रकार बांटना है। एक इंटर वाइवस, इंटर वाइवस यानी कि जीवित पक्षकारों के कार्य द्वारा, और दूसरा आपका वसीयत या विल कहिए या इच्छा पत्र कहिए। तो पहले इच्छा पत्र देखा जाए। वसीयत आपका, जहाँ तक विल या इच्छा पत्र या वसीयत की बात है, वसीयत में संपत्ति का ट्रांसफर कब होता है? जब वसीयत करने वाला, इच्छा पत्र लिखने वाला या विल को लिखने वाला मर जाता है। यानी कि जब तक वसीयत लिखने वाला न मरे तब तक वसीयत को लागू नहीं किया जाता। बताइए तो जीवित व्यक्तियों के बीच अंतरण हुआ कि एक व्यक्ति के मरने के बाद। इसको भी टीपीए से बाहर करिए। अब आइए जीवित व्यक्तियों के बीच अंतरण, यहाँ आपका क्वेश्चन बनेगा और यहीं से कंसेप्ट आपका उठाना है। टीपीए की धारा 5 ये कहती है कि जब भी संपत्ति का अंतरण किया जाएगा, एक जीवित व्यक्ति दूसरों को करेगा या एक जीवित व्यक्ति स्वयं को करेगा या एक जीवित व्यक्ति आपका स्वयं को और अन्य को कर सकता है, या तो वर्तमान में करे या भविष्य में। अब समस्या ये आती कि इसी को याद रखे, पूछा जाता है इंटर वाइवस का सिद्धांत कहाँ दिया गया है। तो इंटर वाइवस का मतलब ये हुआ कि जीवित व्यक्तियों के बीच अंतरण, लिविंग पर्सन के बीच ट्रांसफर, यानी कि जब पक्षकारों के कार्य द्वारा एक जीवित व्यक्ति दूसरे जीवित व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण करता है, उसी को इंटर वाइवस ट्रांसफर या आपका जीवित व्यक्तियों के बीच अंतरण कहा जाता है। ये किस धारा में इंटर वाइवस का सिद्धांत पूछा गया है? सेक्शन 5। अब यहाँ अपवाद भी आपको याद रखना है। टीपीए में अब स्वयं यही बता दिया जाए तब आगे कंसेप्ट बढ़ा जाए। जैसे कि ए ने बी को अपना मकान बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब समस्या है कि ए ने स्वयं को ही ट्रांसफर कर दिया, तो क्या कोई व्यक्ति स्वयं से संविदा कर सकता है, स्वयं से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? तो जब आप संविदा अधिनियम पढ़ेंगे तो वहाँ आप नियम पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति माने संविदा के लिए कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, एक प्रपोजल करे और दूसरा क्या करे, उसको एक्सेप्ट करे। लेकिन ये लॉ का एब्सोल्यूट रूल नहीं है, ये विधि का पूर्ण नियम नहीं है। अगर व्यक्ति की हैसियत भिन्न भिन्न हो, व्यक्ति का स्टेटस डिफरेंस हो, तो एक व्यक्ति स्वयं से भी संविदा कर सकता है। एक दूसरे उदाहरण देखिए। एक उदाहरण मान लीजिए, ए इस मकान का मालिक है और ए ने इस मकान से ट्रस्ट बनाया, न्यास बनाया और स्वयं न्यासी बन गया। तो आप लोग बताइए, एकाही मकान, ए ने ट्रस्ट बनाया और ट्रस्टी कौन बन गया? ए। तो संपत्ति का अंतरण ए ने स्वयं कर लिया कि दूसरे को किया?
लेकिन अंतरणकर्ता और अंतरिति यानी कि आपका जो अंतरकर्ता और अंतरिति के रूप में जो उसका स्टेटस है, उसकी हैसियत है, प्रास्थिति है, वह एक है कि भिन्न भिन्न? तो अंतरणकर्ता के रूप में किस हैसियत में हो? मालिक। और अंतरिति में किस हैसियत में है? न्यासी। तो अगर हैसियत भिन्न भिन्न हो तो एक कोई व्यक्ति स्वयं की संपत्ति का स्वयं को क्या कर सकता है? ट्रांसफर। अर्थात इसका मतलब ये आया कि जो भी ट्रांसफर होगा वह इंटरवाइवस होगा, जो ट्रांसफर करेगा वह भी जीवित हो टीपीए में और जिसको किया जा रहा है वह भी। लेकिन यह लॉ का एब्सोल्यूट रूल नहीं है, वहीं डिफरेंस पूछा जाता है कि धारा 5 के अपवाद कौन है। अपवाद का मतलब ये हुआ कि जहां दूसरा पक्षकार जीवित ही नहीं है फिर भी कुछ दशाओं में संपत्ति का उसको क्या किया जा रहा है? ट्रांसफर। यहाँ क्वेश्चन बना है तो सेक्शन 13 है, सेक्शन 14 है और सेक्शन 16 है। तीन धाराएं इसका अपवाद हैं जहाँ कि दूसरा पक्षकार जीवित नहीं है फिर भी उसके फेवर में किया गया ट्रांसफर क्या होगा? बस अनबार्न पर्सन, अजात पर्सन, यानी कि अजात का मतलब कि जिस अजन्मा, अजन्मा मतलब कि जिसका जन्म अभी न हुआ। तो इस प्रकार आज की कहानी समाप्त किया जाए। देखिए आपका जो जे का क्लास चलेगा अगला, कॉन्ट्रैक्ट आपका आज नहीं कल चलेगा भाई। आज एविडेंस अभी 15 मिनट बाद आपका एविडेंस थोड़ा बचा है आपका, उसको लिखवाया जाएगा। फिर एक बार सूचित किया जाता है कि जो अगला क्लास जे के लिए चलेगा वह कल आप 5 बजे आइए। एक दो दिन में दोनों क्लास चलने लगेंगे, हो सकता है एक दो दिन अभी टीपीए चले क्योंकि एक क्लास फंसा है आपका एविडेंस का, उसको निकाल दिया जाए तब आपका बैच शेड्यूल सही हो जाएगा। तो जो लोग जे के लिए पढ़ते हैं आपका निकल जाएंगे, जो लोग एपीओ के लिए पढ़ते हैं अभी 15 मिनट बाद एविडेंस मेंस के लिए लिखवाया जा रहा है, तो मेंस के लिए एविडेंस आपका जो बचा है